दादा की पोती की बुआ की मौसा की बेटे की दामाद की पियोनसी के साथ सारे मिलके ये मूवी देख सकते हो। इंडियन फास्ट सुपर हीरो मूवी टिपिकल लव स्टोरी के साथ हनुमान थिएटर में रिलीज हो चुका है। क्या बोलते हैं भाई लोग, प्रशांत वर्मा का सिर्फ 62 बजट करोड़ की मूवी देख के ओम राउत की 600 करोड़ बजट की मूवी याद आ गया। जैसे जैसे ऐसा फिल्म आते रहेगा तब तब ओम राउत हमारे हाथ पे ऐसे चढ़ते रहेगा। लेट्स स्टार्ट, बहुत सारे हनुमान से लेके पॉजिटिव बातें और थोड़ा बहुत नेगेटिव पॉइंट। मैं हूँ मनीष, लेट्स स्टार्ट रिव्यू। फिल्म की कहानी बहुत ही सिंपल है। एक जंगल के बीच में एक गाँव है जहाँ पर कभी भगवान हनुमान जी रहा करता था। उस गाँव में एक लटखटे कामचोर लड़का है जो अपना सर्वाइव करने के लिए कभी कभार चोरी कर लिया करता है, लेकिन उसे एक लड़की से प्यार भी हो जाता है। एक दिन उसका हाथ एक ऐसा चीज लगता है जिसके चलते उसका पास बहुत पावर आ जाता है, मतलब सुपर हीरो बन जाता है। जहां पर सुपर हीरो है वहां सुपर विलन तो हो गए होगा। उस लड़का का पीछे एक पागल साइंटिस्ट पड़ जाता है, उसको भी पावर चाहिए। भाई फिल्म है ही कहानी, लेकिन कहानी में बहुत सारे ट्विस्ट है। फर्स्ट पॉइंट, ये फिल्म में दूसरा सुपर हीरो फिल्म की तरह कॉमन ही है। इस फिल्म के जो फर्स्ट हाफ में एक विलेन को दिखाया जाता है, उसका पावर दिखाया जाता है, और फर्स्ट हाफ के एंड होते होते अपने हीरो का जो पावर है वो दिखाना शुरू हो जाता है। भाई साहब, इस फिल्म में खास बात यह है, हनुमान जी के पावर को दिखाया गया इस फिल्म के अंदर। रुद्रामणि, उस पर स्टार्टिंग में जिस तरह समुद्र के बीच में जो सीनरी दिखाया गया, जिस तरह से उसे सीजीआई में प्रेजेंट किया गया, और हनुमान के मंत्र में जिस तरह समझाया गया, भाई साहब घूसबम फील हो रहा था और देख के ऐसे मजा आ रहा था कि भाई ओम राउत के रामायण की तरह नहीं, कुछ अलग ही प्रेजेंट किया गया प्रशांत वर्मा के तौर। इस फिल्म में जितने भी सारे एक्शन रखा गया बिना वीएफएक्स के, भाई साहब सबके सब कड़क और टाइट है। और अपना हीरो को जब सुपर पावर आने लगता है वो वाला जो सीन देख के ऐसे मकड़ी वाला याद आ गया, मतलब स्पाइडर वाला जो स्टार्टिंग पार्ट सेम टू सेम कॉपी नहीं है, लेकिन देख के मजा बहुत आया। फिल्म का स्टार्ट से लेकर एंड तक बिल्कुल कड़क है, बिल्कुल इंगेज है। इस फिल्म में भाई बहन के जो रिश्ता दिखाया गया बिल्कुल कड़क सही, मतलब मजा आ जाएगा देख के। और पीछे जब भगवान राम जी का जो मूर्ति बनता रहता है ना, उस टाइम पे अंदर से घूसबम वाला फील होने लगेगा। अपना हीरो जब जंगल में मास्क पहन के दौड़ता रहता है वो वाला सीन देख के भी बहुत मजा आएगा। जब नेगेटिव हीरो अपना साइंटिस्ट आता रहेगा, उसका जो एंट्री है, उसका जो कैरेक्टर पेजेंट जिस तरह से किया गया, भाई साहब सही है, एक नंबर कड़क है। अब स्टार्ट करूं नेगेटिव पॉइंट। फिल्म के हीरो को जब पानी में फेंक दिया जाता है बिना ऑक्सीजन के लॉन्ग टाइम तक ऐसे तैरते रहता है, भाई ये कोई लॉजिक नहीं बनता यार। वो अभी सुपर हीरो बना ही नहीं था, लेकिन उस टाइम वीएफएक्स ने कवर कर लेता है, देख के मजा भी आता है। नेक्स्ट डे सुपर विलन फिल्म का अंदर कोई दम नहीं, बिल्कुल चंपू जैसे लगता है यार। मतलब इसे फिल्म में एक विलन ऐसा प्रेजेंट करना चाहिए जिसको देख के अंदर से फील हो आप नेक्स्ट क्या होगा, ऐसा होना चाहिए। और विलन कोई भी एंगल से मैच नहीं करता। थर्ड है, इस फिल्म का वीएफएक्स बहुत ही बेकार, लेकिन फिल्म का जो बजट है ना 62 करोड़, इतना लंबा बजट नहीं है, बहुत ही छोटा बजट हिसाब से वीएफएक्स ठीक ठाक ही है, अब मैनेज कर लोगे। इस फिल्म में बहुत सारा ग्लैमर आपको देखने ना मिले, लेकिन ये गांव के कल्चर आपको दिखाई देगा, हनुमान जी का पावर आपको दिखाई देगा। जहां पर ऐसे सुपर हीरो सुपर विलेन की स्टोरी दिखाई दे रहा है उस पर बीच बीच में लव स्टोरी सॉन्ग, भाई इंडियन फिल्म में इसे एक्सेप्ट तो करना ही पड़ेगा। इस फिल्म का क्लाइमेक्स का कुछ मिनट आपको अच्छा भी लगेगा और बुरा भी लगेगा। जब वो विलेन है उसका चमचा, मतलब जो लल्लू पल्लू से फाइट होने लगा गांव वाले से, वो वाला सीन ऐसे देख के लगेगा भाई ये बनावटी प्रेजेंट किया गया। लेकिन लास्ट का जो 5 मिनट है हनुमान जी को जिस तरह से दिखाई देगा, वो सीजीआई वीएफएक्स जिस तरह से प्रेजेंट किया गया, भाई साहब रोंगटे खड़ा कर देगा, देख के मजा आ जाएगा। पूरा फिल्म में आपको वाह वाह कारी, मतलब हनुमान जी का गाना वो फिल्म के अंदर बीच बीच में सुनाई देता रहता है ना, देख के मजा आएगा। अभी तक अपने फिल्म देखा नहीं तो जरूर जाकर देखो, और बहुत दिन बाद रिव्यू लेके आ रहा हूं। आपको अच्छा लगता है प्लीज लाइक कर दो मेरा वीडियो को, अच्छा लगता है चैनल को सब्सक्राइब करना भूलो मत। तो मिलते हैं नेक्स्ट मूवी रिव्यू के साथ, बाय बाय।